नमस्कार, स्वागत है आपको इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में, और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कही जाने वाली दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन के बीच में जो एक केमिस्ट्री दिखने वाली है उनकी आने वाले फिल्म फाइटर को लेकर, वो अब साफ हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं कि ग्रीक गॉड कहे जाते हैं ऋतिक रोशन, और ऋतिक रोशन की जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा से बरकरार रही है, वैसे ही ऋतिक रोशन आज भी दिखते हैं। एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने इस बात का खुलासा किया कि वो हमेशा से चाहती थी कि ऋतिक रोशन के साथ वो फिल्म करे, लेकिन कभी ऐसा संजोग नहीं बैठ पाता था, कभी ऐसे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट जो होते थे वो उनके साथ मैच नहीं करते थे, या उनके हिसाब से वो चीजें नहीं होती थी, तो ये दोनों अलग अलग फीडबैक दिया करते थे। लेकिन अब तो साफ हो चुका है कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमने की हैं उसको लेकर भी बहुत वो एक्साइटेड है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों ने एक साथ काम किया हो। तो आपको बता दें कि जो पोस्टर है ऋतिक रोशन ने इस बात का अनाउंसमेंट जो है वो अपने बर्थडे पे किया था। बर्थडे पे करने के बाद से लोगों के बीच में एक बार फिर से वो एक्साइटमेंट है कि दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री सामने वाली है, आने वाली है। तो इसको लेकर भी, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि दोनों ही एक्टर और एक्ट्रेस ये एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।